WWE के ट्रैवल चीफ रोमन रेंज माफी मांगते हुए नजर आए जब आज उन्होंने गलती से या WWE के प्लान के अकॉर्डिंग सोलो सिकुआ को धक्का मारा। अगर ये प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है तो WWE ने ये टीज कर दिया है कि उसोस की तरह इन द फ्यूचर सोलो भी ब्लड लाइन को छोड़ रोमन के अगेंस्ट जाएंगे। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस कमाल के वीडियो में। बात करेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ जब रोमन रेंस फेस टू फेस आए केविन ओवंस और सैमी ज़ेन के, एंड रोमन इतने गुस्से में क्यों दिख रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो गाइस, वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कंप्लीट एंटरटेन होने के लिए प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। एंड गाइस, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी तो मेरी बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अच्छे लगने में प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर गाइस, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें ट्रैवल चीफ रोमन रेंस के साथ देखने को मिलती है, लेकिन उसोस यहां रोमन रेंस के साथ देखने को नहीं मिलते हैं। अब गाइस, रोमन के रिंग में आने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, पूरी WWE यूनिवर्स रोमन रेंस को बुक कर रही होती है। तब ये देख रोमन रेंस कहते हैं कि ऐसे नहीं शुरुआत करते, कोलंबिया साउथ कैरोलिना एक्नॉलेज मी। अब गाइस, रोमन के इतना कहते ही थीम सॉन्ग बजता है केविन ओवंस और सैमी ज़ेन का। तो अब गाइस, इनके रिंग में आने के बाद रोमन रेंस कहते हैं कि सही है भाई, सब कुछ ठीक है, मैं चाहता था कि तुम लोग यहाँ पर आओ क्योंकि हमें बस दो ही चीज करनी है और वो दो चीजें हम अभी कर सकते हैं। कोलंबिया ने तो मुझे कर लिया है, अब तुम्हारा समय हो गया, मुझे एक्नॉलेज करो, स्वीकार करो कि मैं हूँ तुम्हारा ट्रैवल चीफ, और जब वो कर लो तब मेरे ये टाइटल मेरे पास छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से निकल पड़ो। तो अब गाइस, रोमन के इतना कहने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, केविन ओवन अपने माइक और टाइटल को नीचे फेंक देते हैं एंड वो रोमन और सोलो की ओर जाने लगते हैं। तब फिर ये देख रोमन रेंस कहते हैं कि यही होता है, समझना चाहिए था मुझे, तुम तो लड़ने ही आते हो ना, फाइट ओवंस फाइट तुम्हारा मोटो है, तुमसे बात ऐसे भी करनी नहीं है। अब गाइस, रोमन सैमी की ओर देखते हुए कहते हैं कि तुम, मेरा बहुत ही एक खास करियर रहा है, सबसे ऊंचाई पर पहुंचा हूं और काफी बुरा समय भी मैंने देखा है, और मेरा एक ही रिग्रेट रहा है, एक ही बात है जिससे मैं दुखी हूं, और वो है मैंने मेरा समय तुम पर वेस्ट किया। रोमन की इन बातों को सुन अब सैमी ज़ेन रोमन रेंस से कहते हैं कि रोमन, मुझे भी एक रिग्रेट है कि मैंने क्यों नहीं तुम पर पहले अटैक किया, कितना टाइम हो गया है हमें एक दूसरे के आमने सामने आए, एलिमिनेशन चेंबर मॉन्ट्रियल मुझे याद है, पर अब तुम्हारी ये जो भूख है टाइटल के लिए ये हमें आमने सामने लेकर आई है फिर से एक बार। सच कहूं तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, सिर्फ एक ही बात कहनी है, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें कहा गया तुम महान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, और अब तुम्हें ये टाइटल चाहिए। देख, सच तो यही है रोमन, नाइट ऑफ चैंपियंस में तुम नहीं जीत पाओगे ये टाइटल्स, और तुम्हें जानना है तुम क्यों इस चैंपियनशिप को नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम हमारे जितने अच्छे नहीं हो, और सच कहूं तो तुम उसोस जितने भी अच्छे नहीं हो। अब गाइस, सैमी के इतना कहने के बाद रोमन कहते हैं कि तो तुम्हें ये लगता है, ये बात है जो तुम्हें लगती है मेरे बारे में, मैंने तुमको आसान करके दिया था सब कुछ, इतने सारे मौके दिए मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने। अब आगे गाइस, रोमन कुछ कहे तभी हमें क्या देखने को मिलता है कि पीछे से उसोस अटैक कर देते हैं केविन ओवंस और सैमी ज़ेन पर। केविन और सैमी को डैमेज करने के बाद जिमी उसो सबसे पहले जे उसो से हाथ मिलाते हैं। अब वो इनवाइट करते हैं रोमन रेंस को हैंडशेक के लिए, लेकिन रोमन इस इनवाइट को नकारते हुए उसोस पर गुस्सा करने लगते हैं। वे उनसे कहने लगते हैं कि अपने मन की करना बंद करो, बिकॉज दिस इज माई शो, दिस इज माई रिंग, ये मेरा शो है, ये मेरा रिंग है, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, तुम लोगों की नहीं। अब इतना कहने के बाद गाइस, रोमन अचानक पीछे मुड़ जाने लगते हैं कि तभी उनका शोल्डर सोलो सिकुआ के शोल्डर से टकरा जाता है, और यहाँ गाइस तभी ट्रैवल चीफ सोलो सिकुआ से माफी मांगते हुए नजर आए। शोल्डर टकराने के बाद सोलो सिकुआ रोमन रेंस को घूरते हुए नजर आए। अब पता नहीं गाइस, रोमन ने ये गलती से किया या फिर ऐसा कराना WWE का प्लान था। बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में और अच्छी तरह से, लेकिन इससे पहले गाइस हम लोग बैक स्टेज ये सिचुएशन देखते हैं। बैक स्टेज रोमन रेंस उसोस पे काफी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम दोनों के बारे में बात करनी है, ब्लड लाइन कौन चलाता है, हाँ कौन है यहाँ का लीडर, तो तुम लोग क्यों जाते हो, क्यों करते रहते हो अपने मन की, मुझे कुछ कहना था, मैंने मेरा करियर दिया है उस एक आदमी को, कितना कुछ किया उसके लिए, मुझे कुछ कहना था उसे पर मिला मुझे मौका नहीं, अब बहुत हुआ, दफा हो जाओ मेरे सामने से, अभी बाहर निकलो।
मैं सच कहूं तो गाइस, अब चाहे उसोज रोमन रेंस के लिए कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करे, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि अब वे उन्हें अपने साथ देखना ही नहीं चाहते हैं। रोमन के इतना कुछ कहने के बाद उसोज काफी गुस्से में यहां से चले जाते हैं, और पता है अब रोमन ने मन बना लिया है खुद से उसोज को खत्म करने के लिए। तो गाइस, होता कुछ ये कि आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में उसोज एक टैग टीम मैच में फाइट करते हैं रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार से। बेचारे उसोज ने एक बार फिर मैच को जीतने की हर वो कोशिश की, लेकिन मैच के बीच में केविन और सैमी के डिस्ट्रैक्शन की वजह से वे इस मैच को हार जाते हैं। मैच हारने के बाद रोमन एक बार फिर उसोज पे गुस्सा दिखते हैं। फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि पॉसिबली सोलो जा रहे होते हैं उसोज पे अटैक करने के लिए, लेकिन रोमन उन्हें रोक लेते हैं। गाइस, पता है रोमन ने ऐसा क्यों किया? रोमन ने अब खुद मन बना लिया है उसोज को खत्म करने का। गाइस, मैं आप लोगों को ये दो मोमेंट दिखाना चाहूंगा। आप लोग देख सकते हो, आज से एक साल पहले 20th मई 2022 को स्मैकडाउन में रोमन के पास तो दो टाइटल थी ही, इसी मंथ में उसोज अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बने थे। तब कितना प्यार था रोमन और उसोज के बीच, लेकिन अब देख लो 19th मई 2023 उसोज हार गए हैं अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। एंड अब इस टाइम सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि रोमन नहीं चाहते हैं कि उसोज अब उनके साथ रहे। यही तो है समय समय का खेल गाइज। पता है, देखना एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट होती नजर आएगी सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के बीच। और मैं आप लोगों को हिंट देना चाहूंगा, इस पर रोमन नहीं कोई और होगा जो उन पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए फिर गाइज, आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।